हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जॉब्स एंड लर्निंग गाइस, आज हम प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले के दो लेसन्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, इस टेंस में कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका होता है। तो इस टेंस में मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, या ली है, दी है, या की है, इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे कि राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया, या फिर मैं घूम चुका हूँ, उसने गलती की है, हमने किताब दी है, आदि। तो इन सारे सेंटेंसेस से ऐसा मालूम पड़ता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है यानी कि पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो आइए एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक जो वाक्य हैं उनको बनाने का रूल देखते हैं। इसमें करना क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब है कि हैव का यूज़ किसके साथ करना है, हैज़ का किसके साथ करना है। तो आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज़ करना है। बेसिकली जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ में हैव, लेकिन आई के साथ भी हैव का यूज़ होता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम स्कूल जा चुका है। राम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ में हैज़ लगेगा, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। मैं काम कर चुका हूँ, आई के साथ हैव का यूज़ होगा तो आई हैव डन द वर्क, या फिर इसे आप आई हैव वर्कड भी कह सकते हैं। हमने तुम्हें देख लिया है, हमने मतलब वी के साथ, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का, तो इसके साथ में हैव का यूज़ होगा। वी हैव सीन यू, मैंने उसे एक किताब दी है, आई हैव गिवन हिम अ बुक। उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं, दोज चिल्ड्रेन हैव टेकन मनी फ्रॉम राम। दोज चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो इसके साथ में हैव यूज हुआ। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, दैट गर्ल हैज़ परचेज्ड अ स्कूटी। यहाँ पे दैट गर्ल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो इसलिए इसके साथ में हैज़ का यूज़ हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बनाने का रूल इस तरह से है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, और उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही है, जस्ट इसमें आपको हैव हैज़ के बाद नॉट का यूज़ कर लेना है। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू, हैव के बाद नॉट लग गया, वी के साथ हैव लगता है और उसके बाद आपने नॉट यूज़ कर लिया। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैवेंट गिवन हिम एनी बुक। आप हैव नॉट को हैवेंट और हैज नॉट को हैजेंट भी कह सकते हैं। अरनवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अरनवी हैज नॉट टेकन द मनी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कुछ पूछा जाता है, इसे बनाने का रूल इस तरह होगा कि हैव या हैज़ का यूज़ जो है सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कुछ WH फैमिली जैसे हाउ, वाई, हु, इस तरह के वर्ड का अगर यूज़ होगा सेंटेंस में तो वो हैव और हैज़ के भी पहले हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़, हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, वेन, व्हाट, विच, अंटिल वेन, सिंस वेन, हाउ लॉन्ग या फिर हाउ का यूज़ हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। क्या राम घूमने गया है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगता है, तो अब राम सब्जेक्ट है, इससे पहले हैज़ का यूज़ करना होगा। हैज़ राम गॉन फॉर अ वॉक,
अमन ने किताब क्यों ली है, यहाँ पे देखिए WH फैमिली यूज़ हो रहा है, क्यों, तो ये हैज़ के भी पहले आ जाएगा। Why has Aman taken the book? समझ में आ रहा है। वे दोनों कहाँ गए हैं, Where have they both gone? Both का मतलब दोनों, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमें has नहीं बल्कि have का यूज़ करना होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर आप लिखते हैं तो उसके साथ में आपको क्वेश्चन मार्क भी डालना होता है। आगे है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, यानी कि नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। इसके लिए वही रूल है, आपको WH फैमिली अगर यूज़ हुआ है तो वो सबसे पहले, नहीं तो हैव हैज़ का यूज़ जो है सब्जेक्ट से पहले, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं, हैव हैज़ जो है सब्जेक्ट से पहले प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर WH फैमिली यूज़ हो रहा है तो वो हैव या हैज से पहले WH फैमिली का यूज़ करना होता है। तो आगे देखते हैं कुछ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टूडे। अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है, वाई हैज़ अमन नॉट परचेस्ड द बुक येट। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, इफ येस प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।